सितंबर और परसों का दिन 1 अक्तूबर नूं भी लास्ट पेची हुई है। यह सारिया पेशियां जिहड़ियां शराब दियां नशे दियां तस्करियां हो रही है और उहदे विच जिथे इन्हां दी आप और इन्हां दे परिवार के जिहड़े बच्चे ने वह इनवॉल्व ने। मैं अज फिर कहांगा क्योंकि यह परिवारों का मसला है। असी दोवें इकट्ठे एक दिन गुरु तेग बहादुर साहब की दरगाह के भावें रकाबगंज तो भावें शीशगंज साहब गुरु ग्रंथ साहब के सन्मुख पेश होइए। गुरु ग्रंथ साहब की जिहड़ी तुक हैगी जयकार की ओ धर्मियों का पापी को दंड दियो, असी दोवें शब्द पढ़ के फैसला गुरु ग्रंथ साहब के उपर छोड़ दिए। वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी की फतेह। चंद दिन पहला दिल्ली गुरद्वारा कमेटी दे विच गुरु तेग बहादुर साहब के महान पवित्र अस्थान ते दिल्ली गुरद्वारा कमेटी के प्रधान सर हरमीत सिंह कालके ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस महान अस्थान जिहड़ा कि एक भगती का सोमा है, उत्थे झूठ कुफर और बहुत ही वाहियात किस्म के इल्ज़ाम जिहड़े साडे परिवार ते बच्चियां ते लगाए ने। मैं रोज़ रोज़ दी चिक चिक नूं दूर करन वास्ते मैं कुछ नूं कलके नूं सलाह देना भी असी दोवें इकट्ठे एक दिन गुरु तेग बहादुर साहब की दरगाह के भावें रकाबगंज तो भावें शीशगंज साहब गुरु ग्रंथ साहब के सन्मुख पेश होइए। गल विच पल्ला पा के अरदास करिए सच्चे पातशाह जिसने भी साडे दोवां चों गुरु घर के नाल त्रो कमाया है, गुरु घर के पैसे खाधे ने, संगत के पैसे खाधे ने, किसे नूं धोखा दिता है, किसी संस्था नूं धोखा दिता है, स्कूलों की बर्बादी की हो, हस्पतालों की बर्बादी की हो, असी अरदास करते हाँ भई गुरु ग्रंथ साहब की जिहड़ी तुक हैगी जयकार की ओ धर्मियों का पापी को दंड दियो। असी दोवें शब्द पढ़ के फैसला गुरु ग्रंथ साहब के उपर छोड़ दिए। अरदास करिए सच्चे पातशाह ये फैसला जल्द दे दे। वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी की फतेह।